गड्ढा वाला रास्ता होके जा रहा हूँ राहुल किला, देख सकते हैं कितना गड्ढा है। बिसरा में रुका हुआ हूँ, काफ़ी जोर का बारिश हो रहा है, अभी थोड़ा कम हो गया है। देख सकते हैं बस सब निकल रहा है, एक एक करके बस जा रहा है, मैं वहीं का वहीं हूँ। थोड़ा कम है निकलेंगे, बारिश तो रुकेगा नहीं क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश रुकने का नाम नहीं रहे। निकल पड़े भीगते भीगते, गड्ढा वाला रास्ता होकर जा रहा हूँ। देख सकते कितना गड्ढा है, ये जो अपन पुस रूट है जो खेत होके रास्ता जाता है, काफ़ी स्लिप हो रहा है टायर्स, फिर भी स्लो स्लो जा रहा हूँ। देख सकते आगे से भी साइकिल सब आ रहा है साइड देते हुए, स्लिप हो रहा है काफ़ी, आराम से 10 का स्पीड से आराम से निकल रहे हैं। ज़्यादा स्पीड भी जा नहीं सकते क्योंकि गाड़ी स्लिप करके गिर सकते हैं। कचड़ा हो रखा है, बारिश का मौसम है, देख सकते हैं। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है, जा रहे हैं जा रहे हैं। स्लिप होते होते बच गया, ओ नो, आगे में बंद है रास्ता क्योंकि ढलाई चल रहा है रास्ते में, इसलिए लेफ्ट साइड से जाऊंगा। काफी कच्चा रास्ता है, कच्चा रास्ता हो के फिर आगे पक्का रास्ता मिलेगा जो काफ़ी दूर है यहाँ से। ये भी स्लिप करते हुए जा रहे हैं रास्ते में, काफ़ी स्लिप हो रहा है, पूरा भीगा हुआ है मिट्टी। काफ़ी स्लिप हो रहा है, गली वाला रास्ता हुए जा रहे हम। गली गली रास्ता है,
akhir rasta. आगे रास्ता बंद है, मैं दूसरे रास्ता में आ गया हूँ। बोले आगे में थोड़ा रास्ता है गली वाला, उसी से निकलना पड़ेगा। छोटा सा रास्ता है जो कि गड्ढा गड्ढा है, उसी रास्ता से जा रहा हूँ। आगे जाके फिर एक खाई वाला रास्ता मिलेगा। देख सकते हैं पूरा स्लिप कर जा रहा है, पानी से पूरा भीगा हुआ है। नाला वाला रास्ता है जो कि सामने नाला है। देख सकते हैं कितना स्लिप वाला रास्ता। यहाँ तो साइकिल भी चला नहीं सकते हैं क्योंकि पूरा कादों से भरा हुआ है। चल चल के तो जा ही नहीं सकते, इतना पानी भरा हुआ है। ये थोड़ा आगे जाके एक रास्ता है कॉन्क्रीट मेन रोड पे।